श्री राम दोस्तों, आज है 12th अक्टूबर। कल हमने ट्रेंड किया था अपना लेग्स, तो लेग्स मेरा पूरा जकड़ गया था, इस तरह पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था आपस में, तो इसीलिए मैंने फिर उसको वहीं क्विट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ट्रेंड नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेरे पैर एकदम जकड़ने लग गए थे। लेग्स कल करने के बाद फिर मेरे पैर पूरे जकड़ रहे थे, तो उसके बाद फिर मैंने उसे वहीं क्विट कर दिया। आज है मेरा शोल्डर डे, ठीक है, तो कल मैंने शोल्डर नहीं ट्रेन कर पाया था, जैसा कि आपको कहा था कि कमर्शियल जिम में भीड़ हो जाती है, तो जिसका कारण मैं उसको अपने शोल्डर को ट्रेन नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी नहीं कर पाया था, एक एक्सरसाइज तक मैं छू नहीं पाया था। तो फिर वहीं भीड़ होने लग गई थी, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कल कर लूँगा। तो आज शोल्डर ट्रेन करेंगे। दिन के बज रहे 8:30, मौसम एकदम मस्त हो रहा है, एकदम बढ़िया। विंटर ट्रेनिंग आर्क हमारा चालू हो चुका है, डाइट भी हमारा वैसा ही एकदम तगड़ा जा रहा है, ट्रेनिंग भी हमारा एकदम तगड़ा जा रहा है। डाइट मैं दिखाऊंगा आज का, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा डाइट दिखा दूंगा। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के समय। तो ये रहा मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, दलिया लिया मैंने और 3 डेट्स, तो इसको मैं इसमें मिलाकर नहीं खाता, इसको मैं अलग खाता हूँ। दोपहर में भी जो मैं लंच बनाऊंगा उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मैं क्या क्या खाया अपने पूरे दिन में। आज कॉलेज नहीं था, छुट्टी थी मेरे कॉलेज की, क्योंकि कल से मेरे मिड सेमेस्टर चालू है। तो आज जो भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं घर में बैठकर ही पढ़ूंगा। दलिया एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है आपके वेट गेन के लिए। तो मिलता हूँ आपको अपने लंच में। तो मेरा लंच का समय हो गया है, तो आप जैसा देख सकते हो मैंने वाइट राइस और राइस के ऊपर मैंने घी भी ऐड किया है, और मैंने लिया है काबुली चना, 50 ग्राम काबुली चना लेकर इसमें मैंने अनियन, टोमेटो और चिली और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके मसाला वगैरह के, एसेट्रा एसेट्रा जो भी, वो मैंने इसमें ऐड करके पूरा अपना लंच बनाया है। तो मैं अभी वाइट राइस थोड़ा ज़्यादा खा रहा हूँ, आप देख सकते हो इतना मैं खा रहा हूँ, तकरीबन लगभग 100 ग्राम होगा, 100-150 ग्राम होगा, तो मैं उतना खा रहा हूँ अभी। तो वेट गेनिंग के लिए बहुत बढ़िया सोर्स है ये भी, कार्ब्स और प्रोटीन दोनों का बहुत बढ़िया सोर्स है, आप भी इसको अपने गेनिंग में ऐड कर सकते हो, मसल गेनिंग में। तो मिलता हूँ आपको जिम के ट्रेनिंग के बाद। तो हो गया मेरा जिम जाने का समय, निकलते हैं जिम के लिए। और जैसा कि सुबह मैंने कहा था आपको कि कल मैंने स्क्वाट्स के अलावा कुछ नहीं लगा पाया था, मतलब लेग डे के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया था, शोल्डर ट्रेन नहीं कर पाया था, तो चलते आज सिर्फ शोल्डर ट्रेन करेंगे और आज शोल्डर पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि आज शोल्डर डे है हमारा इसीलिए। तो मिलते हैं आपको जिम के ट्रेनिंग में, छोटी छोटी क्लिप्स मैं डाल दूंगा, आप वो देखना और उसको देखकर अपने वर्कआउट में भी उसको, उस वर्कआउट को ऐड करना, एक्सरसाइज को ऐड करना। बाकी निकलते हैं जिम के लिए, निकलते हैं जिम के लिए। My adrenaline spikes when I'm threatened, and if you stay in my way I'm aggressive, cause when there's no legs it'll kill when I'm desperate.
feel my heart rate, adrenaline pressure. Hit stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no way. पहला सेट मैंने 12.5 के जी से शोल्डर प्रेस मारा था, तो 20 के जी से ट्राई करूंगा और उसके बाद greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm डंबल शोल्डर प्रेस, तो इसके देखते हैं कितने आते हैं। कोशिश करूंगा कि पूरा आए, फटी ना। Never. I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight. प्रोग्रेस करते रहना है, करते रहना है। ये फिर भी भैया स्पॉट कर दे रहे थे, लेकिन अगली बार अपने से ट्राई करूंगा, अपने से मारने की कोशिश करूंगा। Your enemies are road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And
This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा जिम का, तो उसमें मैंने आज शोल्डर के ही सारे एक्सरसाइज किए और उसके बाद फिर मैंने आज हैवी डंबल शोल्डर प्रेस लगाया था 25 केजी का। तो दिक्कत उसमें ये है कि मैंने उसे अपने फॉर्म में नहीं रखकर, मैंने आप जो मेरे पीछे जो बंदे स्पॉटर थे, वो भैया जो स्पॉटर थे, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पुश करा था कि उसमें मेरा उतना इंटेंसिटी के साथ मैं नहीं लगा पाया था, तो उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत हुई। लेकिन फिर मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरा इसमें पूरा पूरी उतना अच्छा से स्ट्रेस नहीं पड़ा मेरे शोल्डर पे, और ना ही मैं उतना 25 kg डंबल मैं अपने दम पर मार पाया। लेकिन अगली बार मैं आपको वादा करता हूँ कि अगली बार 25 kg का मैं खुद मारूंगा, बिना कोई स्पॉटर के, बिना कोई सपोर्टर के। तो 25 kg का डंबल शोल्डर प्रेस, 25 kg के डंबल से शोल्डर प्रेस मैं अगली बार अपने दम पर मारूंगा। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि मेरा शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने डंबल प्रेस मारा था चेस्ट के लिए। तो मैं बस अपना इंटेंसिटी चेक कर रहा था कि मैं मेरे अंदर स्टैमिना और है कि नहीं। तो और आज से 2 महीने पहले जब मेरा बॉडी वेट था 58-60 kg था, तो मैं 25 kg के 10 rep 12 rep तक कर लेता था डंबल प्रेस। तो अब मैं उतना नहीं कर पाता क्योंकि मेरा बॉडी वेट भी घट गया है, जिसके कारण मेरा जो लोड कैपेसिटी था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो मैं चाहता था, उसमें मैं थोड़ा सा अभी लेवल अपना घटा चुका हूँ। तो उसको मैं अपने धीरे धीरे मैं आपको उस लेवल पे आ रहा हूँ, अपने मेहनत से आ रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है इस पर। तो पहले मैं आज से 1 महीना पहले जब मैंने वो जिम ज्वाइन किया था यहाँ पर, तो मैं 25 kg का नहीं मार पाता था। पहले आज से 3 महीने पहले मैं मार पाता था, फिर महीना डेढ़ महीना मेरा जिम छूटा, डाइट ठीक से नहीं हुआ, बॉडी वेट कम हो गया, जिसके कारण मेरा जो डाइट के कारण, जो ठीक से खाना वगैरह नहीं खाने के कारण, जो मेरा जितना भी जो प्रोग्रेस हुआ था मेरा जिम में, वो मेरा सारा
खत्म हो गया, जिसके कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आपके मेंटेलिटी में एक बैठ जाती है आपकी, कि साइकोलॉजी आपके बैठ जाती है दिमाग में कि आप वेट घटा रहे हो, वेट कम हो रहा है आपका, इसीलिए आप नहीं मान पा रहे हो। तो इसीलिए मैं हर दिन हर एक वर्कआउट करने के बाद मैं जब जिम से निकलता हूँ उससे 5-10 मिनट पहले मैं अपना बॉडी चेक करता हूँ कि मेरे बॉडी में अभी भी कितना स्टेमिना और 25 kg के डंबल के डंबल मैं कितने बार लगा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा इसको कर रहा हूँ। तो पिछले 1-1.5 महीने से आज ये जाकर रिजल्ट मिला। परसों मैंने लगाया था तो 25 kg के डंबल के सिर्फ 4 आए थे, आज लगाया तो 6 आए। और अगली बार जब लगाऊंगा तो वादा है आपसे कि 10 तो पक्का आएंगे, एकदम आएंगे, बिल्कुल आएंगे और एकदम स्मूथनेस के साथ आएंगे। तो 25 के 10 और उसके बाद फिर आज से 2-3 महीने बाद 30 के 5 या 8 मैं ज़रूर मानूंगा। इसी तरह मैं हर वेट पे मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता जाऊँगा। इतना में नहीं रुकना है, आने वाले 2-2.5 साल में मुझे 40-45 kg के डंबल प्रेस मुझे लगाने हैं और मैं लगा कर ही रहूँगा। यही मेरा खुद से अपना वादा है कि अपने को आगे बढ़ते रहना, क्योंकि अपने जर्नी तो अभी शुरू ही हुआ है। तो बंदे देखने वाले ज़्यादा है नहीं, समझने वाले ज़्यादा है नहीं, आपको ट्रोल ही करेंगे ज़्यादा, लेकिन आपकी जर्नी कोई नहीं देखता, आपकी सक्सेस हर कोई देखेगा। तो इसीलिए मुझे भी पता है कि मेरे साथ अभी उतना अच्छा रोल प्ले नहीं होने वाला है। तो बस आज की डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अपना डिनर। जिम से आने के बाद मैंने कोई भी पोस्ट वर्कआउट मिल नहीं किया था, डायरेक्ट मैं खाना ही बनाया था क्योंकि थक गया था जिम से आकर। और कल मेरा एग्ज़ाम भी है, मिड सेमेस्टर है। तो ये है टोटल, मैंने 9 रोटी ली है, टोटल मैंने 9 रोटी है इसमें। और ये बनाया मैंने दाल, सिंपल दाल, और इसमें मैंने घी भी ऐड किया है। और उसके बाद मैं 1 कटोरी सलाद भी लेता हूँ। तो सलाद आप भी ऐड करो, ऑनियन खाओ सलाद में, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और आप खीरे खाओ, आपके बॉडी में पानी का कमी नहीं होगा, 70-80% वाटर आपको खीरे से मिल जाएंगे। और दिन में अगर आप क्रिएटिन अगर कंज्यूम कर रहे हो तो कोशिश करो दिन भर में आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से 4-5 या 6 लीटर पानी दिन का कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि क्रिएटिन आपके ATP लेवल को बढ़ाता है और आपको एक्स्ट्रा पुश करने में मदद करता है वजन को, वेट को जो आप जिम में करते हो। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में आपको मदद करता है, जिसके कारण मैं पानी भी बहुत अच्छा कंज्यूम कर लेता हूँ, दिन भर में 4.5-5-6 लीटर तक मैं पी लेता हूँ, तो उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, आज यही क्विट करते हैं और फिर कल से फिर न्यू वीडियो आएगी मेरी। तो आगे और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाइट से रिलेटेड, मेरे जिम से रिलेटेड देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर देना मेरे को, और इंस्टाग्राम चैनल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में तो अपना या मैं अपना यूट्यूब आईडी में बायो में तो लिंक दिया ही हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरा इंस्टा में भी डायरेक्ट DM कर सकते हो मुझे और यूट्यूब में भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के वीडियो यही क्विट करते हैं, आप सबका धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।